अरे बाप रे, बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि ये गोश्त से नहीं उतरा है। किचन का हालत देखोगे तो आप देखते रह जाओगे। हाँ, और मैं इसके लिए बना रही हूँ उत्पम। उत्पम ही बोलेंगे उसको। हाँ बैठोगे, बैठ जाओ 2 सेकंड के लिए। ये देख रहे हैं सब डब्बे, बैठो बाबू, गुड बॉय, देख रहे हैं मम्मा, यही है, ये देखो बन गया, बन गया, बन गया। देखो ये देखो मम्मा बना दी, पानी चल जाए। ओह माय गॉड, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे इसके साथ काम करना। अबे धक्का क्यों दे रहे हो, धक्का क्यों दे रहे हो बेटा, आओ इसी में लेके कैसे तैसे करके सारे डब्बे निकाले हैं, नमक डाला है, हल्दी डाली है। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? डैडी का फोन आ गया, पूछ रहे थे रो तो नहीं रहा है। कहा नहीं रो नहीं रहा है, मैं कहा नहीं रो नहीं रहा है, देख रहे किचन का दिखाती हूँ। ये देखो एक एक डब्बा पीछे था, सब उतार उतार के ऐसे ऐसे करके हमने किया जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे इसके लिए बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये भूखा है अभी, और अभी अगर भूखा है तो दूध पिला दूंगी। क्या चाहिए आपको इसमें से, क्या चाहिए बताइए, क्या लोगे? नहीं 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 हाँ आ जाओ, आ जाओ। अरे बाप रे, चम्मच लेने जाना था मुझे, और ऐसी तैसी। ये देखो ये है गन्नू का खाना, और गन्नू मतलब ठंडा करना मुश्किल है। हाँ 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 बेटा बेटा बेटा, आप सामने बैठो तो हम खिलाएं जल्दी जल्दी से, ऐसे बैठो। हाँ ये लो, हाँ हाँ मम्मा खिलाएगी, मम्मा खिलाएगी। हाँ सॉरी मेरा गुड्डा। तो इसको ये ना बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इसको ऐसे ही खाना मतलब डिनर के टाइम पे, लंच के टाइम पे ऐसे ही कुछ ना कुछ बना देती हूँ। अदरवाइज इसको चिल्ला बहुत पसंद है। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ और वो क्या बोलते हैं, सरसों और करी पत्ता और टमाटर प्याज। हाँ ये लो, निकालने वाला खा, गंदी बात होती है फिर, खाना खाते हैं। हाँ खा लो खा लो खा लो खा, नो हाँ खा लो, हम खिला रहे हैं। हाँ तो आप भी ऐसे बच्चों को अपने कुछ भी छोटा मोटा करके बना के खिला सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बच्चों के लिए, बस ये बच्चे टाइम नहीं देते, बनता तो ये सिर्फ 5 मिनट में ही है। थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी मैंने, अभी मैं अपने लिए क्या खाऊंगी ये तो मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन गन्नू को खिला दूं। हाँ 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 ये बहुत मुझसे कह रहे थे तुम कुछ ऑर्डर कर लो जोमेटो से, ये वो, मैंने कहा नहीं रहने दो, और अकेले के लिए क्या बनाऊं वही सोच रही हूँ। एक सेकंड ठंडा हो जाए, गॉड ब्लेस यू। खा लो मेरा बच्चा, गरम था बाबू, इसीलिए तो मना, मम्मी मना कर रही है आपको, इसीलिए मम्मा मना कर रही है। कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ, इधर रख दो साइड में। हाँ ये लो, हाँ बस हो गया, इसीलिए हाथ से खिला रहे हैं आपको, चम्मच से नहीं खिला रहे हैं। टेस्टी है, और इतने हेल्दी नाश्ते होते हैं ना, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। आपको इसका शक्ल दिख रहा है ना, मैंने अच्छे से भी सरसों का तेल इसके सर में लगाया है। क्या हुआ? हाँ खा लो भैया, ये लो ये लो। हाँ बेटा आराम से खाओ, सुबह में इसको ना जो इसका हलवा बनाया था वो भी बहुत पसंद आया था।
अब मुझे जाके टाइम मिला है अपने लिए मैगी बनाने का। टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं तो 11 बज चुका है और ये अभी आए नहीं है, बस आने वाले हैं। ये अब जाके थोड़ी देर फ्री अपने आप से खेल रहा है, तो मैं मैगी बना रही हूँ। उसी बीच में सबसे ज़्यादा बड़ा टास्क पता है क्या होता है, जब आपको वॉशरूम जाना हो और आप अकेले हो और बच्चा आपका छोटा सा हो, इतना बड़ा अगर बच्चा होता है कि चलने लगता है अच्छे से, तो वो चल रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी बहुत दिक्कत होती है। मैं वॉशरूम गई थी तो दरवाज़ा खोल के, ऑब्वियसली वो मैंने इसको यहाँ पे बिठा रखा था गाड़ी के पास में, इसे बातें कर रही थी क्योंकि वो आँखों के सामने है तो मुझे पता है अदरवाइज़ वो कहीं भी कोई भी रैक खोल देगा, कोई भी दरवाज़ा खोल देगा। ये सबसे बड़ी वाली चीज़ है। और आप किचन देख रहे हो, आज मेरा फुल ऑफ मैस है, फुल ऑफ मैस। मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए इसको साफ़ करने के लिए। और मैं अपना घर दिखा दूँ अभी, जो ये देखिए, और ये सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का काम है। बट वो 10 मिनट हमें नहीं मिल पाएंगे जब तक कि बच्चा हमारा खेलेगा और सोएगा नहीं। ये हर माँ का काम है और हर माँ की ड्यूटी होती है कि हम पूरी तरीके से अपना, मतलब मेरे ब्लॉग्स के थ्रू आप लोग सोचते होगे ना, कुछ लोग कहते हैं आपके ब्लॉग से हम क्या समझें, समझना कुछ नहीं है, बस मैं अपने लाइफ से बस यही आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ये सारे काम सिर्फ 10-10 मिनट के होते हैं जो हम आराम से कर सकते हैं। बट अगर हमने ज़रा सी लापरवाही कर दी, उस लापरवाही में अगर हमारे बच्चे को ज़रा सी चोट लग जाती है, क्योंकि बिकॉज पता ही क्या होता है, हम कितना भी केयर कर लेते हैं तब भी बच्चों को छोटी मोटी चोट लग ही जाती है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। और अगर हम पूरी तरीके से केयर, मतलब ज़रा सा भी हम वो छोड़ेंगे कि हाँ बच्चा अपने आप खेल ले काम करने के लिए, तो हम नहीं बता सकते कि क्या होगा। और सच बता रही हूँ, ये फ्लावर मुझे काफ़ी पसंद आया है। और सच बता रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है अकेले बच्चे को हैंडल करना। अभी ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कपड़े कुछ तय करने के लिए रखे थे, जो गन्नू अभी आए हैं तो उन्होंने फैला दिए। ये मेरा डबल बेड है जो आपको अब दिखाई दे रहा है। ये आगे भी सेम ऐसे ही वाइट कलर का, वाइट और डार्क ब्राउन कलर का है ये बेड, जो मेरी अलमीरा से बिल्कुल से मैच कर रहा है। ये चॉकलेटी सा कलर है जो बिल्कुल मैच कर रहा है। आप लोग प्लीज़ बताइएगा मेरा बेड कैसा लगा। सॉरी यार, मैंने बहुत अच्छे से इसको सजाया था लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, और इस तरीके से है ये। और आपको ऐसे दिखा दूँ, ये है हमारा बेड। और ये 2-3 बार फ़ोन कर चुके हैं पूछने के लिए, बाबू क्या कर रहा है, बाबू क्या कर रहा है। अभी आपको पता है 2 बार इसका हाथ मुंह धुला चुकी हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसको ना तिल्ली का लड्डू दे दिया था। और पता है, गंदा करने के चक्कर में ऐसा कभी मत करिएगा कि बच्चे को कुछ खाने को मत दे, बच्चे को सब कुछ खाने को दीजिए। क्या होगा, गंदा करेगा, कपड़े गंदे होंगे, आप चेंज कर दो। हाँ ये दीजिए, इसको पता है मैं दिख रहा हूँ तो शांत रहता है। और अभी ये आप ये सोचो, मुझे अभी कपड़े चेंज करने, अंदर का इनर चेंज नहीं करती हूँ रात में, लेकिन जो ऊपर से जो कपड़े पहने ना इनको चेंज करूँगी। हाँ हाँ, उठा रही हूँ, उठा रही हूँ, उठा रही हूँ। ये क्या लगा रखा है, ये क्या, डैडी आ गए क्या? मुझे ऐसा लगा ये आ गए। गाड़ी तो कोई आई है, अब ये तो पता नहीं, दरवाजा बंद कर लूँ मैं। तो चलो मैं कपड़े चेंज कर दूँ, मैगी बन गई है मेरी, मैगी खा लूँ फिर आते हैं। टाइम मिलता है तो आते हैं। ये अपना ये स्टूल लेके ना ऐसे पूरे घर में भी चलता है, भागता है। हाँ हाँ, चलो चलो, घुमा के भी ले आने लगे तुम। अरे वाह, बड़े स्मार्ट हो गए हो, आराम से चलो, आराम से। फंस रहा है, फंस रहा है, फंस रहा है, नीचे देखो सामने। आराम से, अरे रुको यार। इसीलिए छोड़ती नहीं हूँ, अदरवाइज स्पीड लगा देता है ये। तो अभी कमरा थोड़ा सा साफ कर पाई हूँ, मैगी बना के मैंने खा ली है, और ये थोड़ी देर ऐसे खेलने लगे हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना, देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे आना है तो अब इनके साथ अगर खड़े नहीं रहेंगे तो ये यही काम करेंगे। देखो चीनी, अरे बाबा ऐसा चीनी खाया है हाथों में कि पूछो नहीं। और नमकीन मैं थोड़ी सी खा रही थी, वो वहाँ पे सब पड़ी थी। अब यहाँ पे भी इनको देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप सोचो इतना रूम थोड़ा सा समेट पाई हूँ। झाड़ू लगाई है थोड़ी सी, दिन में कम से कम 10 बार झाड़ू लगानी पड़ती है मुझे। और देखो ना, झाड़ू लगा के मैं जैसे ही आई तो देखा स्टूल लेके भाग रहे थे। हाँ, और कपड़े इनके ला के मैंने रखे हैं चेंज कराने के लिए। इनके छोड़ो, मुझे मेरे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं रात में डेली। ये सब कुछ खा के ऐसे यहाँ पे लगाता है, वहाँ पे लगाता है, तो वो कपड़ों पे सोने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैं अपने कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ। टाइम हो गया है बहुत ही ज़्यादा और ये अभी तक आए नहीं है, 12:15 जैसे कि आप देख रहे हो बज गया है। और ये अभी सोने के मूड में इसलिए नहीं है क्योंकि 2 दिन से इसने रूटीन चेंज कर दिया है, खेलने के चक्कर में सोता नहीं है।
तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और सच बताऊँ मुझे इन पे ज़रा सा भी कभी भी शक नहीं होता है। एक चीज़ ये भी है कि हाँ प्लीज़ बैकग्राउंड इग्नोर करिएगा, अभी मैं करने की कोशिश कर रही हूँ और आप खुद ही देखो। तो हाँ हेलो, गिर भी गए, आराम से करिए आराम से। हाँ तो मुझे बिल्कुल भी इनके ऊपर शक नहीं होता, पता है क्यों? उसका रीज़न है एक तो हमारी लव मैरिज है तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, और दूसरी चीज़ ये भी है कि इनको मैं तो अब सेकेंडरी हो गई हूँ, कहीं पे भी इनका बेटा, वो इनका बेबी, इनका बच्चा, इनको इतना अब है कि जान बस्ती है इसमें। तो मुझे ये पता है कि एक बारी मुझे धोखा दे सकते हैं बट एक माँ को धोखा नहीं दे सकते, वो वाली फीलिंग है। मुझे ये चीज़ बताई, ये कभी अपने बच्चे को इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। मुझे एक बारी चलो मैं वाइफ हूँ, थोड़ा सा शक आता है कि हाँ इंसान बदल सकता है, बट 3 बार फ़ोन कर चुके हैं। और अदरवाइज़ मैंने आपसे बताया था ये कहीं पार्टी में जाते हैं मुझे एक फ़ोन नहीं करते हैं वहाँ से, लेकिन इसके लिए 3 बार फ़ोन कर चुके हैं, बाबू क्या कर रहा है, बाबू क्या कर रहा है। तो अभी मैं इनको फ़ोन करके पूछती हूँ। तो वीडियो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुझे लगा अभी मुझे आपको बताना चाहिए मीशो ऐप के बारे में। जैसे कि आपने देखा है कि आजकल मैं मीशो ऐप से काफ़ी सारे सामान मंगाती रहती हूँ, और मैं आपको भी बोलती हूँ कि हाँ आप मीशो ऐप से सामान मंगा सकते हो। मेरे पास एक दो कमेंट आया था कि मैं मीशो ऐप से कैसे सामान मंगाऊँ, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ ज़रूर मुझे शेयर करना चाहिए। मीशो ऐप से जैसे आप नॉर्मली अमेज़ोन से फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, वैसे आप मीशो ऐप से भी शॉपिंग कर सकते हो। वहाँ पर लेकिन आपको एक ऑप्शन और मिलता है अपने आप को बिजनेसमैन बनाने का, अपने आप को बिजनेस वूमेन बनाने का। वहाँ से आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। लाइक जैसे कि जो भी प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहे हैं, जो आपको पसंद आ रहे हैं, अगर आपने अपने लिए मंगाए हैं, आपके दोस्त चाहते हैं वो अपने लिए भी मंगाएं या उनको आपको बेचना चाहते हैं, तो आपको उनकी पिक्चर जितने भी प्रोडक्ट है आपको सिंपल सी एक चीज़ करनी कि उसको शेयर करना है अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, जो भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको लग रहा है कि आपको सेल हो सकती है, आपके ज़्यादा लोग आप रीच कर सकते हो, आप वहां पर उसे शेयर करिए। और अगर लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है तो वो आपसे उसका रेट पूछेंगे, तो आप मीशो ऐप से डायरेक्ट उनके पास उसे ऑर्डर कर सकते हो। और मीशो ऐप अगर अपने दोस्तों को रिफ़र करते हो तो भी आपको पैसे कमाने का मौका मिलता है, और अगर आपके दोस्त उससे शॉपिंग करते तो भी उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। तो सोचिए मीशो ऐप आपको काफ़ी मतलब वे से आपको पैसा कमाने का मौका देता है। और अगर आपको कोई चीज़ ऑर्डर करनी है तो सिंपल सी है, वैसे ही बिल्कुल आपको ऐड टू कार्ट करना है, कैश ऑन डिलीवरी। मैंने जितने प्रोडक्ट मंगाए हैं सब कैश ऑन डिलीवरी ही मंगाए हैं। आप ये सोचिए वहाँ से आप कैश ऑन डिलीवरी भी मंगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको पेटीएम के थ्रू मंगाना है या बैंक डिटेल आपको देनी पड़ेगी अपनी, नहीं, आप कैश ऑन डिलीवरी मंगा सकते हो। और जितने भी मैंने प्रोडक्ट मंगाए हैं मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई, भी मैंने कुछ और प्रोडक्ट मंगाए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने एक एक प्रोडक्ट आपको दिखाया है उसकी क्वालिटी कैसी है और कैसा लग रहा है, अगर वो आपको प्रोडक्ट मंगाने हैं वो भी मंगा सकते हो। बाकी मीशो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ उसे शेयर करके पैसा कमा सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाइएगा प्लीज।